जॉन, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा काम है भारत में आतंक और दहशत को कहर कहर फहराना। इंसानों के साथ साथ हमें जंगली जानवर और पक्षियों का ख्याल रखते हैं। ले जाओ शेर गिद्ध नाश्ता कर। आप है मलिक, किस इलाके के शातिर अपराधी? वेल डन मलिक, हमें तुम्हारा ये शादी का आनंद है। थैंक यू सर। हमारे मिशन का हर आदमी इतना ही शादी और जाली खत्म का होना चाहिए, तभी हमारा मिशन कामयाब हो पाएगा। दोस्तों, जॉन साहब अभी बाहर से आए हैं, इसलिए मीटिंग कैंसिल की जाती है। तब तक कहरी कहर। लाश। चाचा, लाश बड़े गड्ढे में। चाचा, लाश। ये कौन है? गुल्लू की। ओ, तू तो सीधा साधा आदमी, तो फला उसे कोई क्यों मारता? अरे मैं कहता हूँ, जब से विदेशी हमारे मुल्क में आए, इलाके में आए हैं, इन्होंने यहाँ का सुख चैन छीन लिया। क्या नाम सलाम सब रहे हो चाचा? सोच समझ के बोलो। देख लो क्या नाम है उसकी बेटी की शादी का, भाई रामगली की बेटी की, और क्या नाम है, उन लोगों ने कितना ध्यान देश दिया था उसकी। अरे भिखारी हो तुम, भिखारी। ये विदेशी हमेशा कुछ ले, उठ के ले जाते रहे हमसे, हमें कुछ देने नहीं आए। तुम्हारे गाँव के, तुम कैसी भैंकी भैंकी बातें करते हो? मेरी समझ बात नहीं, तुम कैसी बातें कर रहा है? तो मैं तो चलता हूँ चाचा। कार्य की जानकारी देते हैं कि किस तरह हम यहाँ के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जॉन साहब, हिंदुस्तान की जनता बड़ी बेवकूफ़ और गरीब है, और वह लालची है, और यहाँ बेरोजगारी की तो लाइन लगी है। रोजगारों को किस तरह बाहर ले जाते हैं और अपने काले कारनामों की और अपने नस्ली दवाइयों का इस्तेमाल करवाते हैं। आज तक हिंदुस्तान में हर धर्म की आड़ में स्मगलिंग और काले धंधे होते आए हैं डेविड। एक ईसाई धर्म सिर्फ ऐसा है जिसमें कोई गंदगी आज तक नजर नहीं। अब हमें ईसाई धर्म को बदनाम करके और अपने काले धंधों को भारत में और अपने कारनामों को भारत में कायम करना है। क्या आइडिया है? हम पवित्र ईसाई धर्म की आड़ में अपने काले कारनामों को खूब अंजाम दें। बहुतो मलिक, बहुतो। हम भी यही चाहते हैं, चाहे किसी का धर्म बदनाम हो या किसी का भगवान नाराज, हम सिर्फ काले धंधे को ईसाई धर्म की आड़ में फैलाना चाहते हैं। अभी जाता हूँ, सब सुन लिया बेटा मैंने, अभी चाहे जा खबर देता हूँ। रामू चाचा, तुम मालूम है कुछ गुंडे बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ कह रहे गाँव में चल रहे हैं, अब गाँव वालों को लूटेंगे। अरे मैं कहता था ना, ये विदेशी हमेशा हमारे यहाँ से कुछ लूट के ले जाते रहे, ये हमें कुछ दे सकते हैं? तो मिस्टर जॉन कह रहे थे। अच्छा ठीक है चिंपोगली, मैं आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजता हूँ, तो ये बात किसी से कहना नहीं। और आज सरकार ने बेलेबरों के लिए एप्लीकेशन भेज दी। सर, इस नौकरी में तो आफत ही आफत है। देश के लिए अगर आफत कूटनी पड़े ना, देश के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। सामने से मत गुजरो यार।
चाचा रामू ने मुझे भेज दिया लेने के लिए, अभी तक समझ में नहीं आई कैसे नहीं आए वो। वैसे तो मैं 50-60 को इकला बेचा था, लेकिन चाचा रामू ने कहा चलो उन्होंने लिए ले आता हूँ मैं, मिस्टर जो तो इकला बेचा रहा हमें। तो ये है बेलापुर गाँव, पर यहाँ मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया अब तक। मैं आया हूँ ना, मैं आ रहा हूँ चिंपो के लिए उठ कन कौआ। क्या कहा? अब दिल्ली से लाएंगे तो बिल्ली में आऊँ। और आप? मैं तो चिमपोगली हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, वैसे तो 50-60 रुपये किला बेच रहा था मिस्टर जॉन को मैं, लेकिन चाचा रामा ने कि मैं आपको लेने आ गया। ये बैग आप मुझे दीजिए, कम से कम 2 महीने का बैग ले फिर रहे हैं आप, तो वैसे मुझे दीजिए मैं ले सकता हूँ। वैसे तो मैं अकेले काफी था उन 50-60 के लिए, लेकिन चाचा कहने लगे तो मैं आपको लेने के लिए आ गया। बड़े अच्छे इंसान आप। अच्छा तो मैं हूँ वैसे साहब जी, मैं अकेला ही काफी था 50-60 को, लेकिन चाचा ने मारे तो मैं आपको लेने के लिए चलाया। अच्छा, नहीं 50-60 को तो अकेला मार लेता मैं। सही बात है। अरे चिंपा बोले, यहाँ कैसे? मैं साहब को लेने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बात है। काम रखा है गांव वालों का ऐसा भाजन घोट के पिलाट था कि एक एक थप उनके दिल में उतर जाए और वह पीढ़ियों तक हमारे गुलाम हो जाए। और वहाँ गांव के सब लोग होंगे, उन लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा लेंगे कि फंस कर फड़फड़ाने लगेंगे। ठीक है डेविड मलिक, देखते जाओ मैं इस गरीब जनता को किस तरह बेवकूफ बनाता हूँ। ऐसा भाषण घोट के पिलाऊंगा कि सारे के सारे कबूतर की तरह जाल में फंस जाएंगे। कहरी कहर, कहरी कहर, कहरी कहर, कहरी कहर, कहरी कहर, कहरी कहर। अरे जो खुद धर्म नहीं जानता वो दूसरों को धर्म की बात क्या बताएगा? क्यों लुटेरे आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ बेरहमी लूट छलकपट ये धर्म होता है। नहीं, जब गांव में आएगा तो खुद तो बताएगा जरूर, मैं तो जरूर जाऊंगी। सोनिया बात छेड़ो नहीं है, चिंत मत करो, तुम्हें अनाथ होते भी रामू चाचा अपनी बेटी की तरह पाला है, उनकी ठीक भावना को ठीक सोनिया तुम्हें कोई हक नहीं। मैं तो जाऊंगी। सोनिया चीज अच्छी नहीं होती है। बेलापुर के वासियों, पेट भरने के लिए कुत्ता भी टुकड़े जुटा लेता है। अरे आप तो इंसान है, आपको चाहिए पैसा और दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी, और ये सारी चीजें आपको देगा मिस्टर जॉन। आप उस गांव में सारी सुविधाएं जुटाएंगे, ऐशो आराम का वो रास्ता दिखाएंगे लोगों को, ये सारा बेलापुर गांव माला माल हो जाएगा। ठीक कहते हो मिस्टर जॉन, ठीक कहते हो, मगर हमें करना क्या है? आपको अपनी संस्कृति भूलकर, अपनी सोच बुलाकर, अपनी भारतीय संस्कृति और सोच को भुलाकर जॉन के बताए रास्ते पे चलना होगा, और उसके बदले में आपको हमारी संस्कृति को स्वीकार करना होगा। उसके बाद आपको गले लगाएगा मिस्टर जॉन। मगर हमें करना क्या है? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाइयों, इस गुंडे की बदमाश की बातों मत आना, ये आतंकवादी है, ये इस देश का गद्दार है। आइयो, हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, और ऐसी ऐसी सुंदर कन्याओं को हम अपने देश प्रचार कराने के लिए ले जाएंगे। कमीने, लड़की तरफ नजर उठाकर। चौधरी जॉन साहब को हाथ रहे, हिम्मत मत करना। जॉन साहब आप भाजन जा रहे हैं। ओ तो बहुत चलता है रामू चाचा इन सिपाहियों के ऊपर।
अगर अपना आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता? अरे चंपा भी लेकिन चंद चौधरी की जान भी जा सकती थी। वो कैसे? ओ आप तो बड़ी लापरवाह हो और आप मेरे तक ध्यान नहीं दे रहे। तो आपका मतलब है मुझे आपकी परवाह करनी चाहिए? हाँ। छोड़ दे मेरा देख कोई दरवाजा चल हट जा हट जा ओए हट जा हट जा चल हट जा हट जा ओए हट जा हट जा। तू ना तड़पाना ओए लड़की तू दीवानी ओए लड़की तू दीवानी। मैं तेरे दिल की रानी ओए तू मेरे दिल का राजा अब तो आ जा ओए राजा लेके बैंड बजा ओए राजा आजा ओए आजा आजा ओए आजा आजा ओए आजा आजा। पीछे पीछे मेरे ना आओ लड़की दीवानी मेरे कोई काम ना आएगी तेरी जवानी। पीछे पीछे मेरे ना आओ लड़की दीवानी मेरे कोई काम ना आएगी तेरी जवानी। मुझको अपना बना ले मुझे सीने पे लगा ले ओ मेरे दिल भर जानी ओ मेरे दिल भर जानी। ना तू मेरे दिल की रानी ना मैं तेरा राजा अब तो पीछा छोड़ दे मेरा देख कोई दरवाजा चल हट जा हट जा ओए हट जा हट जा चल हट जा हट जा ओए हट जा हट जा। मैं तेरे दिल की रानी ओए तू मेरे दिल का राजा अब तो आ जा ओए राजा लेके बैंड बाजा ओए आजा आजा ओए आजा आजा चल हट जा हट जा ओए हट जा हट जा आजा आजा ओए आजा आजा चल चल हट जा हट जा ओए हट जा हट जा। तुम प्यार तो करते हो पर लड़कियों की तरह शर्माते बहुत हो। ए सोनिया अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमको बोल ही देता हूँ आई लव यू। आई लव यू विजय टू। कितनी भोली हो तुम सचमुच पागल लड़की। अरे सोनिया लेकिन दुपट्टा तो तेरे पास है। चाचा या तो तुम्हें दिखाई नहीं देता
क्या फिर मुझे दिखाई नहीं देता मेरा दुपट्टा कहाँ उड़ गया? अच्छा दुपट्टे की छोड़ और मेरी बात सुन। गांव में जो गुंडे पिटके गए हैं वो गांव में हमला जरूर करेंगे, अपना ध्यान रख और गांव से बाहर मत जाया कर। साहब से भी कह दे कि अपना ख्याल रखें। चाचा आप डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि विजय जैसा बहादुर ऑफिसर गांव में आ गया है। उन कमीनों का खात्मा करने के लिए तो मैंने इंस्पेक्टर विजय को यहाँ बुलवाया। हाँ मुन्ना, ना तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है मुन्ना, उस इंस्पेक्टर को मिस्टर जॉन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हम उसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे मुन्ना, हम उसे मारने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और उसके बाद उसे जंगली जानवर। आप फिक्र मत कीजिए जॉन साहब, उसको मार के अपने आप को बहादुर समझ रहा होगा। आप हुक्म कीजिए भाई साहब, उस कमीने इंस्पेक्टर और उसके साथियों को मारकर तुम्हारे कदमों में ला दूं। ना मुन्ना ना, हम उसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे, पहले हम उसे पकड़ के अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे और उसके बाद उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे और जंगल के जंगली जानवरों को खिलाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए जॉन साहब, हमारा मिशन है, जो लोग हमारे मिशन के बीच में आएंगे, जो कि तुम सब लोग जानते हो हमारे मिशन के बीच में बाधा बनने वाला हर इंसान हमें बहुत बुरा लगता है और हम उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कहरी कहर, कहरी कहर, कहरी कहर। जोसफ यार, ये अपना इंस्पेक्टर टीले पर बहुत ज्यादा है, चक्कर क्या है टीले पर? हाँ अबे मुझे तो लगता है कहीं उसका सोनिया से चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो अच्छा ये बात है, चलो चलकर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है तो चल के देख ही लेते हैं। ए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं विजय, सिर्फ तुम्हारा विजय। विजय एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम मिस्टर जॉन को पकड़ने के बाद वापस चले जाओगे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार सपना था? सपना नहीं हकीकत। कहीं विजय तुम मुझे धोखा तो नहीं दे जाओगे? प्यार क्या होता है यह मैंने तुमसे सीखा है सोनिया, जिस प्यार से मैं अब तक अनजान था वह प्यार मुझे तुमने सिखाया है सोनिया। मेरी सांसों में तुम हो, मेरी धड़कन में तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो सोनिया। मेरी आंखों में झांक कर देखो, क्या तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? मेरी जिंदगी में देशभक्ति के बाद मेरी शुरुआत और आखिर तुम हो सोनिया, सिर्फ तुम। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे जाऊंगा? अरे तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता सोनिया। सॉरी विजय, मेरा मतलब नहीं था कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना, मुझे नहीं पता था कि तुम बात को सीरियस ले जाओगे, सॉरी। अबे यार इकबाल, देख इंस्पेक्टर साहब अपने कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। हाँ यार ये तो साला रो रहा है। यार ये तो पुराना स्टाइल है, हर लव स्टोरी में ऐसा ही होता। मुझे लग रहा है हमारी बातें कोई सुन रहा है। उन्हें चल यार, हम तो चलते हैं। हाँ चलो। हाँ जो सब देखो यार, चिंपो के लिए आ रहा है। अरे वो चिंपो के लिए। हाँ दीवान जी। यार आ तो सही बैठ। बात ये है उरा कुत्ता, बात ये है इस गांव में छह पेपे भी हैं या ना हैं? क्या मतलब? अरे इसका मतलब है कि इस गांव में कोई लड़के वड़की भी है या नहीं। तुमने इस गांव के हीरो का समझ लिया? तो फिर लड़के दिखाई क्यों ना देती हैं? कल आज चाचा रामू खेत पे। चाचा रामू के खेत पर? हाँ ईमान से। ईमान से नाम है चिंपो के लिए और कन कौवा। जब मेरे हाथ में आ जाता है शराब का फौवा, मैं इसे पी के बन जाता हूँ शेख का खलील कौवा। अब इसे पी के मैं चाचा रामू खेत पर क्या गुल खिलाता हूँ। चाहूँ सोना चांदी ना चाहूँ हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। घी
दुल्हनिया ले जाएंगे। मलिक आपका भाई, आपका हमदर्द आपसे ये कहना है कि जॉन साहब ने विदेशी मुल्कों से अनुरोध करके रोजगार दिलाने का वादा किया है और अपने औरतों और खूबसूरत लड़कियों को हम विदेश भिजवाएंगे और उसके बदले में आप सबको मिलेगा खूब सारा धन। ठीक कहते हो मलिक, ठीक। अरे लड़कियों की तस्करी करने वाले, कुर्दे निकाल कर बेचने वाले, तू क्या पैसा देगा हमें? हमें नहीं चाहिए तेरा पैसा। लगता है तुम्हारी मौत खींच रहे जोन के कुत्तो। बहुत बोलता है रामू चाचा, आज मैं तेरी जवान खींच कर जोन साहब के सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगा। खींच ले इसकी जवान। अरे तू मेरी क्या जवान खींचेगा, देख उधर तेरी मौत आ रही है। ओ तब बहुत चलता है रामू चाचा इन सिपाहियों के ऊपर। आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा मलिक। गोली तुम्हें अपना निशाना ना बना ले। हे सोनिया, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। जब किसी हिंदुस्तानी सिपाही का जन्म होता है तो उसके जन्म का मकसद होता है अपने देश पर शहीद होना, क्योंकि उसकी हर खून की बूंद पर लिखा होता है इनकलाब जिंदाबाद। देख भगत, अपनी छोड़ और मेरी बात सुन। क्या? अरे अरे बाग में आ? अंगूठी में नकी नजर गया हो, दिल की अंगूठी में नकी नजर गया। गोरी तेरे प्यार का नशा चढ़ गया, गोरी तेरे प्यार का नशा चढ़ गया। गोरी तेरे प्यार का नशा चढ़ गया।
गया था मैं किसी और ही ख्याल में, जाने कैसे फंस गया हुस्न के जाल में। खोया खोया था मैं किसी और ही ख्याल में, जाने कैसे फंस गया हुस्न के जाल में। दिल में तेरी नजरों का तीर गड़ गया, तीर गड़ गया। गोरी तेरे प्यार का, गोरी तेरे प्यार का नशा चढ़ गया। किसने मारा इसको? अरे कोई बताता क्यों नहीं? अरे इंस्पेक्टर क्या बताना है तुमसे? तुम क्या जानो तुम्हें क्या करना है? तुम लड़कियों के साथ नाच गाना करो, मौज मस्ती करने आए हो तुम। तुम्हें क्या पता है क्या है तुम्हारे पास? रामू चाचा, मुझे भी इसके मरने का अफसोस है। रामू चाचा, आज के बाद इस गाँव में कोई भी आतंकवादी आएगा उसे पहले हमसे लोहा लेना पड़ेगा। और हमसे लोहा लेना इतना आसान नहीं। क्या मैंने उस इंस्पेक्टर के मुंह पे कलंक पोत दिया है? वेल डन डेविड, वेल डन। मैं जानता हूँ तेरे इस हमले ने उस इंस्पेक्टर के मुंह पे कलंक तो पोत दिए, अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। भैया वो चिकनी है ना सोनिया, अगली बार मैं उसको उठाकर लाता हूँ और तुम्हारे दिल बहलाने के काम आएगी। अच्छा डेविड, मुझे तुझसे यही उम्मीद है भाई। डरने की कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें मैं उठा कर ले जाऊंगा अपने भाई जॉन के लिए। टीले पर जाकर मोड़ से संभाल लेना चाहिए क्योंकि गुंडे उसी रास्ते से आते हैं और वे कभी भी आ सकते हैं।
और इकबाल तुम यही रहोगे और गांव में जो बात होगी हमें सोचना दोगे। यस सर। ओके सर, पर जाकर मेरे भाई डेविड को मार कर ये सरकारी किराए का टट्टू हीरो बन गया। ए, क्या है वो फौजी नंबर दो इंस्पेक्टर मिले बुला डेविड का भाई उसका जान आया है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। फौजी पीछे न पड़ता ऑफिसर मेरे ये गुफार दिए तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तेरी सरकार और वो कैप्टन मिले तेरे टुकड़े चुपते चुपते हार जाएंगे। ऑफिसर तेरी वजह से मेरा भाई डेविड मारा गया जो मुझे जो कर गया। उसे हम अपने मुल्क ले जाएंगे। चल उन कमीनों को समाज में पीछे से आता हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन नहीं फेंका तो ये चिकनी है ना मेरे आदमी इस चिकनी की छुट्टी कर देंगे। बोल क्या चाहता है। तेरा ये छोटा सा रिवॉल्वर मेरे इतने सारे आदमियों के हथियारों के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ फेंक दे इसे। अंधेरा चाहे कितना ही क्यों ना फैल जाए मिस्टर जॉन
सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती का उजाला ही काफी होता है उसे गायब करने के लिए। मैं जानता था कि ये आशिक अपनी महबूबा के लिए हथियार जरूर फेंकेगा। क्यों, मौत से डर नहीं लगता तुझे? और एक तू, अबे साले तू तो ईसाई है रे। जॉन, मेरा देश ही मेरा मजहब है और मैं उसके लिए हंसते हुए जान दे सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हिंदुस्तानी सिपाही देशभक्त है। इस देशभक्त को मैं इसकी भक्ति के साथ भगवान के पास पहुंचा दूंगा और इस ऑफिसर को तो इतनी बुरी मौत मारूंगा मैं, अपने डेविड की मौत को मैं आज तक नहीं भूला। टुकड़े टुकड़े करके तुझे जंगल के जंगली जानवरों को खिलाऊंगा मैं इंस्पेक्टर। सबसे पहले तेरी छुट्टी होगी। इसे मार के तुझे तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं और ए हिंदुस्तानी आशिक, देख तेरी वो प्यारी प्यारी सी प्रेमिका, कल तेरा वक्त था, आज बाजी जान किए मुन्ना। तो जानता है तूने मेरे भाई को अपने आज्ञाकारी सिपाहियों से किस तरह मरवाया था? तू जानता कि मैं उसे कितना प्यार करता था? बच्चे से लड़ता है, अब मुझसे लड़। जॉन बताएगा तुझे तेरी देशभक्ति का पाठ। ये अपने घर पे आके तो चींटी भी शेर हो जाती, लेकिन शायद तू ये भूल गया कि इंसान का चींटी को मारने के लिए एक ही कदम काफी होता है। पैर रखने से अगर चींटी बच जाए तो वह हाथी जैसे जानवर को भी मार देती है, जिस तरह अब मैं तुझे मारूंगा। इंस्पेक्टर, तू यहाँ से बॉर्डर पार करने के बाद मुझे छो भी नहीं पाएगा। तू सही कह रहा है मिस्टर जॉन्स, बॉर्डर पार करने के बाद मैं तुझे छू नहीं पाऊंगा, लेकिन अफसोस अभी तुझसे बॉर्डर 2 गज दूर है और मौत 2 सेकंड। हथियार फेंक दो। Oh!
मेरे व्यवहार विजय, मैं तुम्हारी सोनिया को ले आया। तुम्हें क्या हो गया विजय? विजय लहू लहू निकला है मेरा। देशभक्त की निशानी है ये, अपने देश पर थोड़ा सा मेरा भी लहू बह गया। मैं खुश हूँ लेकिन ये कमीना चला गया, मैं इसलिए भी खुश हूँ, इससे भी खुश हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।